अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे कब मनाया जाता है और विश्व का पहला बाघ दिवस कब मनाया गया था? भारत देश में सर्वाधिक बाघ वाला राज्य कौन सा है? एनटीसीए की स्थापना कब हुई थी? और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है, तो बाघ होने के तीन बड़े कारण क्या है मुझे बताइए। क्वेश्चन लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। देखिए, बात आई है बाघ की, तो हमें समझना पड़ेगा इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में पहली बार कब मनाया था, यहाँ पे समझेंगे। देखिए भाई, ये जो है ये यहाँ पर है मध्य प्रदेश, ये है इंडिया। भारत देश में वन और पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना जो हुई है ये हुई है 1985 में। भारत देश में टाइगर जो प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है 1973 में, आपको पता है। अब देखो यहाँ पर ये है अफ्रीका। अफ्रीका में 1972 में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था गेनी मैनफोर्ड। क्या नाम था इसका? गेनी मैनफोर्ड। जो गेनी मैनफोर्ड है, गेनी मैनफोर्ड ने 1972 में साउथ अफ्रीका में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की हुई थी, इसीलिए गेनी मैनफोर्ड को विश्व में टाइगर मैन कहा जाता है। वहीं हम बात करेंगे भारत देश में, यहाँ वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल में कैलाश संकल हुआ करते थे। कैलाश संकल ने 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, इसलिए भारत देश के टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं किसको, तो उस व्यक्ति का नाम है कैलाश संकल को। उसके अलावा बात टाइगर की आ गई है, तो क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बाघों की संख्या बढ़े, बाघों को लोग ना मारे, इसके लिए टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया था? विश्व के विभिन्न देशों ने देखना, यहां पर जो है वो रूस है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया था, दुनिया के सभी देशों को बताने के लिए कि बाघ को ना मारा जाए, बाघ के लिए व्यवस्था बनाया जाए और बाघ की संख्या कैसे बढ़े उसकी प्लानिंग करें। 2010 में मनाया गया था और ये मनाया था 29 जुलाई। तो 29 जुलाई 2010 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया था और तब से हम लोग 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। एक बात तो आपको समझ में आ गई कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। पहली बार कब मनाया गया? 2010 में। पहला कहाँ मनाया गया था? तो सेंट पीटर्सबर्ग में, उस समय से हम लोग मनाते हैं। अब बाघ की बात आ गई है, तो 2024 का हम अपडेट डेटा थोड़ा सा देखें, तो आपको बता दें हम कि भारत देश में जो बाघ है टोटल, पहले तो यह है कि भारत देश का सबसे बड़ा संगठन जो बाघों के लिए काउंट करता है, बाघों की संख्या गिनता है, बाघों को बचाने का काम करता है, बाघों के लिए संपूर्ण काम करता है, उसका नाम है एनटीसीए। एनटीसीए 2006 में एनटीसीए की स्थापना दिल्ली में की गई है। अब जो एनटीसीए है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एजेंसी, तो एनटीसीए की स्थापना 2006 में दिल्ली में की गई है। इसके अनुसार बाघ की संख्या वर्तमान में भारत देश में कितनी है? तो 3682 बाघ भारत देश में है। इसमें से मैक्सिमम किस राज्य में है? तो वो है 785 बाघ मध्य प्रदेश में है। अब 785 बाघ मध्य प्रदेश में है, तो एमपी को बोलते हैं टाइगर स्टेट, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन यहां से बनेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन हमारा ये है, आप बताइए मुझे ऐसे तीन बड़े कारण जो रिसर्च में आए हुए हैं कि मध्य प्रदेश में जहां पहले एक साल पहले 526 बाघ हुआ करते थे, बढ़कर के ये हो गए 785। अच्छी खबर है, लेकिन बाघों की संख्या इतनी अचानक क्यों बढ़ी? अभी इतने 30 साल में नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन पहली बार एक साल में इतने बाघ कैसे बढ़ गए? तो इसके बड़े बड़े तीन कारण। सबसे पहला कारण यह है, आप याद रखना, कारण पूछ ले एग्जाम में आपके, तो सबसे पहला कारण यह है कि जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के अंदर या नेशनल पार्क के किनारे में जो गांव बसे हुए थे, वो गांव को उनने उठा के कहीं बाहर शिफ्ट कर दिए। वहां से जो मूवमेंट होता है बाघ का, वो बाघ का मूवमेंट दूर तक होने लगा, बाघ सुरक्षित रहने लगा। तो सबसे पहला कारण हुआ था कौन सा? गांव को शिफ्टिंग करना। दूसरा कारण जो है ट्रांसलोकेशन। देखो यहां पहला जो कारण है उसका गांव को शिफ्ट कर दिए, और सबसे ज्यादा गांव जो शिफ्ट किए हैं, 74 गांव शिफ्ट किए हैं कान्हा नेशनल पार्क के बाजू से। कान्हा किस लिए नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश में है, एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ना। 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट बना हुआ था, 1955 में ये नेशनल पार्क बना हुआ है, कान्हा किस लिए नेशनल पार्क। लेकिन इसके आसपास से 74 मतलब 74 गांव हटा दिए, अब बाघ आसानी से वहां रहने लगा। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर बाघ रहना चाहता है उनके लिए एरिया रहते हैं।
यदि हम जहां बाघ है वहां पर यदि हम शेर को शिफ्ट कर दे या शेर है वहां हाथी को शिफ्ट कर दे, नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ, इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बाघ को, चीते को, जो है हाथी को, जितने प्रकार के जानवर है उनको अलग अलग नेशनल पार्क में शिफ्ट किए। तो जो अच्छा एरिया पड़ता है उनके जोग्राफिकल एरिया अच्छा पड़ता है बाघ के लिए, वहां पर बाघ को शिफ्ट कर दिया और वहां से बाकी चीजों को हटा दिया। तो उससे क्या होता है कि जो बाघ है वो ज्यादा संख्या में हो गए। जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, उमरिया का जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, इन नेशनल पार्क में ले जाके बाघ को रख दिया तो बाघ की संख्या बढ़ने लगी। तो ट्रांसलोकेशन। और तीसरी बात यह है कि जंगल के बीच में जो मैदान बन गए हैं और वहां खाली क्षेत्र हो गए हैं, है ना, जंगल कट गए हैं, तो ऐसे जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम लोग हैबिटेट। जो हैबिटेट हैबिटेट का मतलब कि जंगल के बीचों बीच से कोई ग्राउंड बन गया है, खाली क्षेत्र बन गया है, तो वहां पर फॉरेस्ट लगाना और साथो साथ में वहां तालाब की व्यवस्था करना। तो फॉरेस्ट लगाएंगे तो फॉरेस्ट लगाएंगे इसलिए वहां जानवर जाएंगे चरने के लिए, और वहां पर तालाब बना दिए तो पानी पीने जाएंगे जानवर। जब पानी पीने जाएंगे और घास खाने जाएंगे और उसके आसपास में शेर है तो शेर की भोजन की व्यवस्था आसानी से हो गई। इसके लिए तीन बड़े कारण हैं। ये तीन कारण मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कारण हुए। पहले तो गांव को शिफ्टिंग करना, जिससे व्यक्ति वहां नहीं पहुंचेगा तो टाइगर जो है आसानी से रह सकेगा। दूसरा जो है वो हैबी ट्रांस हैबिटेट ट्रांस है, जो है ट्रांस उनको दूसरी जगह बदला गया, एक ही स्थान दूसरे स्थान ले गया गया। और तीसरी बात जो है वो है कौन सा, हैबिटेट मतलब ऐसा स्थान जहां पर कि क्या किया गया है, खाली स्थान जो गांव है और वो जो स्थान है खाली वाले उनको भर दिया गया। ये बातें हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर हो चुके हैं। तो तीन बड़े कारण आप याद रखना, पहला गांव को शिफ्ट करना, दूसरा ट्रांसलोकेशन मतलब जो है पहले तो गांव को शिफ्ट कर दिए, फिर हमने टाइगर को शिफ्ट कर दिया, और तीसरी बात जो है खाली स्थान जो हुए हैं, हैबिटेट मतलब खाली स्थान हुए हैं उनको क्या कर दिए, हमने घास और तालाब से भर दिए। तो घास और तालाब से भरने से फायदा क्या हो गया, तालाब में जानवर पानी पीने जाएगा, घास खाने जाएगा, आसपास में शेर रहेगा वो उस पे झपटा मार के और शिकार कर लेगा, भोजन की व्यवस्था हो गई। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर हो